हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आज सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू एपिसोड बी बोल्ड विद गहना में मिस्टर शेक्सपियर का। सो शेक्सपियर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। सो शेक्सपियर, मुझे एक बात बताएं जी, फ्रॉम शेक्सपियर टू कॉकी शेक्सपियर की जर्नी क्या है, और आप जब आने वाले थे इस इंडस्ट्री में तो आपने क्या सोचा था, आपने क्या क्या किया, एंड अभी आपको कैसा लगता है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मेरा जर्नी बहुत ही बहुत अच्छा है देखा जाए तो। उसमें बहुत कम, मतलब अभी आई एम फीलिंग लाइक मैं अपवर्ड्स जा रहा हूँ, बट एक टाइम था जब करियर नीचे ही जा रहा था। मैं इंडस्ट्री में आ गया, मेरा पहला ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया, ऐड था MS धोनी के साथ, एक चिप्स कमर्शियल था, डायरेक्टर मिस्टर दिबाकर बैनर्जी, अच्छा बजट, लीड्स करता गया, एड्स करता गया, पर क्या होता था, कंसिस्टेंसी कम होता था। आपको हर दिन ऑडिशन पे जाना पड़ता है, और मॉडलिंग में क्या होता था, ज़्यादा करके या तो फॉरेन फेसेस को लेते थे, फिरंगी मॉडल्स या तो सेलिब्रिटीज, जो हम नॉर्मल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो आ रहे हैं उनके लिए काम बहुत कम होता है। यू मस्ट आई डोंट नो फीमेल्स का कैसा है, बॉयज़ के साथ ऐसा होता है, और कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स नहीं लेते थे। तो एक ऐड मिला, फिर एक लंबा गैप, फिर जाओ ऑडिशन दो, एक दिन में आप यकीन नहीं करेंगे मैं चार चार ऑडिशन देता था। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं घूमता था, और मैं आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, तो नॉट ओनली कि बॉलीवुड में सर्वाइव करना है, सिटी इट्स अ बिग सिटी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, इसमें सर्वाइव भी करना है, प्रेशर हर तरफ से। आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 18-19 में जब आया, पेरेंट्स उड़ीसा में, मैं अकेला PG में रहता था, तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत मतलब एक बस में ट्रेन में मैं जाता था ऑडिशंस के लिए, लोअ परेल मलाड, फिर एड्स मिलने लगे, फिर मैंने टेलीविजन किया थोड़ा बहुत, मुझे एक शो भी मिला अच्छा पैरेलली, मैंने थिएटर भी किया, एक फिल्म भी की, बट हमेशा काम के लोगों को फ़ोन करना पड़ता था, कोई ऑडिशन है, ये मेरे फोटोज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है। फिर आ गया लॉकडाउन, लॉकडाउन वॉज रियली क्रूअल, और आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट, इवन दो एवरीबडी वॉज लुकिंग अप टू द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, क्योंकि हम ही लोगों को एंटरटेन करते थे, चाहे सोशल मीडिया पे हो या पुरानी फिल्में, टेलीविजन, वेब, पीपल वेर लुकिंग अप टू एक्टर्स एंड आर्टिस्ट, तो तभी एक बूम हो रहा था थोड़ा इरोटिका का, और लोग घर पे बैठ के आई थिंक या तो सेक्स करना पसंद करते हैं या तो सेक्स देखना, ठीक है। तो मुझे जो फिल्म आए बहुत ही नॉर्मल, थोड़े बोल्ड, हल्के फुल्के, जो बॉलीवुड में पहले बहुत हो चुके हैं, रणबीर कपूर ने अपना बम दिखाया है 2 बार, सांवरिया में दिखाया है, बेशरम में दिखाया है, ऐसे ही फिल्म्स, हल्का फुल्का, लंबे किसिंग सीन्स, रोमांस, यू नो लॉट ऑफ ऑल दैट, ऐसे मुझे ऑफिस पहले आए मैंने उनको मना किया क्योंकि मैं थोड़ा श्योर नहीं था, फिर मुझे बोला कि आप हीरो हो, मुझे स्क्रिप्ट भेजा, फिर मुझे लगा यार हीरो का रोल मिल रहा है जो बनने के लिए मैं बॉम्बे आया था, यू नो, तो हीरो का रोल है, सेम डे पेमेंट भले कम है बट सेम डे दे रहे हैं, तो मैं ऐसे ही चला गया एक सेट पे, और मैंने देखा यार काफ़ी अच्छा है, मेरा जो सोच थी कि ऐसा होगा वैसा कुछ नहीं था, बहुत प्रोफेशनल बड़ा यूनिट था, लड़कियां थी सेट पे, यू नो स्पॉट बॉय स्पॉट गर्ल, लड़की अपना असिस्टेंट लेके आई थी, तो मेरा शूट हुआ, पैसा मिल गया, मुझे नॉट बैड। फिर मैंने देखा, फिर मैं कहीं भी जाता था, उस टाइम पे सिर्फ बैक रोड खुला था लोकंडवाला, मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ वॉक करने जाता, सब मुझे पहचानने लगे, DMs आने लगे सोशल मीडिया पे, मेरे फैन क्लब्स बनने लगे, तो मुझे लगा यार मैंने अनूप जलोटा के साथ थिएटर किया, श्री रामचंद्र बनता था मैं, श्री कृष्ण भगवान बना हूँ मैं, और मैंने मेरी मूवी कान में भी गई है, नोबडी न्यू मी, सडनली एक दो मूवीज में मैंने कपड़े खोले, अंडरवेयर में आ गया, तो बस, तो मुझे आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, और ऐसे ही डिमांड आ गई, फिल्में करने लगा, माइटी शेक्सपियर मतलब बन गया मैं कॉफी शेक्सपियर। लवली, तो एक बात मुझे बताओ, जैसे कभी भी क्लोज सीन्स होते हैं, मेकआउट सीन्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि टर्न ऑन हो जाते हैं, सो कंट्रोल कैसे करते हो यार, और होता है ना डायरेक्टर कह रहे कट 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 कट, और होता है कि यार नहीं यार डोंट स्टॉप अस हियर, डोंट स्टॉप अस हियर, लेट्स गो विद द फ्लो, ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ और कैसा एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स बहुत स्मार्ट हैं, अगर वो देख रहे हैं कि दोनों टर्न ऑन हो चुके हैं तो वो कभी कट बोलते नहीं है, जब तक हम कटेड सर बोलते हैं, और मेरा टर्न ऑन हो जाता है ऑब्वियसली, आई डोंट नो, पर ये हमेशा भी नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन एक्ट्रेस टू एक्ट्रेस, जब मुझे सामने से भी इक्वल वो मिल रहा है प्यार या लस्ट, वो दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज किस से, आई से किस इज द ऑटोग्राफ ऑफ लव,
तो हर चीज किस से शुरू, अगर वो किस एक अच्छा हो गया ना, करंट लग जाता है। और मैं बताऊं, एज ए लड़का आई एम वेरी शाई बाय नेचर, विच इज वेरी कॉन्ट्रेरी, जो लोग सोचते हैं ये तो बहुत ओपन है, इज वेरी आउट देयर, आई एम वेरी शाई, वेरी इंट्रोवर्टेड, वेरी लेट बैक। मुझे लगता है कि लोग मेरे पास है, तो अगर वो लड़की एक्टर मेरे साथ सीन में शी इज, मतलब आई कैन सी शी इज एक्साइटेड, देन आई गेट एक्साइटेड। और अगर मैं एक्साइटेड हूँ भी तो आई विल नेवर शो इट। अगर इरेक्शन आ गया वो तो नेचुरल है, वो दुनिया को दिख जाता है, तो दुनिया दिख जाती है और उसी से ही फिल्म चल जाती है। हाँ। तो चलो अब जो भी है व्हाटएवर, बट हो जाता है, आई गेट अराउज्ड एंड कभी कभी मजा आता है कि कर रहे हैं सब देख रहे हैं और जलवा है जो भी, और पर इट्स ऑल की अगर मुझे सामने वाली एक्ट्रेस उतना सड्यूस करती है तभी ही फीलिंग आता है। अगर वो शी इज जस्ट डूइंग इट मैकेनिकली तो ना मुझे आता है ना उसको आता है, हमको बस सीन करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी लड़कियां इस इंडस्ट्री में आए हैं, दे आर मैरिड, हस्बैंड्स बैठे हैं दूसरे रूम में, मेरे साथ उनका हो गया, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा पर्सनली नहीं बताऊंगा, मैरिड है, बॉयफ्रेंड्स हैं, फिर भी हमारा कभी कभी ऑफ कैमरा हो जाता है, आई मस्ट से कई बार हुआ है, क्योंकि क्या होता है वेटिंग पीरियड होता है ना सीन्स के बीच में, कभी कभी हम मिले और सीन शुरू होने से पहले हम लोग करके आ चुके हैं, कई बार तो डायरेक्टर सर कटकटा रहे, हमारा अंदर हो चुका है, व्हाटएवर, दैट्स प्रीटी नॉर्मल, अपनी मर्जी से हो जाता है। बट कुछ लड़कियों के साथ आई हैव मेट देम आफ्टर द शूट, वो कनेक्शन बना है, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकली, इट इज़ ऑल्सो इमोशनली, पर्सनैलिटी, आपके थाट्स, आपके विचार मिलते हैं, तभी मिलते हैं ऐसा। तो मेरा लाइफ इज़ प्रीटी गुड, मैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, सोशल लाइफ भी काफ़ी एक्टिव है, तो ऐसा हुआ है कुछ एक्ट्रेसेस के साथ कि हम लोग बाहर भी मिले, चिल किए, और बाहर हम लोग डिसाइड, मतलब रियलाइज किए हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, वो सेट पर ही मजा आ रहा। अच्छा मुझे एक बात और सेक्स को, एक बार सोनम कपूर ने कहा था रणवीर कपूर के लिए कि ही शुड एंडोर्स अ कॉन्डम ब्रांड। आपने कभी नहीं सोचा कि आप कॉन्डम ब्रांड या अंडरवेयर ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके हर पोस्ट में देखती हूँ, एवरी टाइम यू हैव अ न्यू अंडरवेयर, और कॉन्डम्स का मुझे नॉलेज नहीं है आपके बारे में, बट क्या कहना है इस बारे में आपका। In fact, there's an Indian company, मैं उसको launch मतलब I might do a collaboration shoot with them, वो एक brand है जिसमें लड़कियों को extra sensation आता है, तो उन्होंने मुझे वो भेजा है, मुझे उसका एक video बनाना है, मैंने खुद उसको use नहीं किया अभी तक, to use it on someone, तो use करके वो उसका मैं video बनाऊंगा, मैं उसको देखूंगा उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। कॉन्डम तो चलो मैं रेडी हूँ, अगर समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ जिससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो, वाई नॉट, क्योंकि आजकल क्या हो गया, नई नई रेगुलेशंस आई हैं जिस पर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, बट स्टिल इफ यू आर एंडोर्सिंग इट, तो आपके 10 से अगर 20 लाख रुपए चार्जेस हैं, कुछ फाइन है, और कुछ टाइम, कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हां, मैंने ऐसा कुछ पेड पार्टनरशिप आपको डालना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन, इसीलिए मैंने बोला ना मैं यूज करूंगा मेरे पार्टनर पे, उसका रिएक्शन लेके ही मैं दुनिया को बताऊंगा यू शुड यूज इट और यू शुड नॉट। सो I'll prefer कि उस कॉन्डम ब्रांड का नाम शेक्सपियर ब्रांड ही हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, तुम्हारी फोटो होनी चाहिए, और जो मेरी फिल्में देखी उनको एक फ्री में मिलेगा, यस, ये स्पेशल ऑफर है, हम क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा सेक्स पे मुझे एक बात बताओ, जैसे कि पता ही होगा इंडस्ट्री में लेस्बियंस गेस बहुत कॉमन है ना, आपको कई बार बहुत सारे गे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले होंगे who are on a very higher level, जिनके contacts बहुत अच्छे होते हैं, कभी आपको casting couch face करना पड़ा क्या? आपको लगता है जब शुरू में मेरे जैसा एक खूबसूरत गोरा सा पतला सा कम सिंस गोरा तो नहीं बोलूंगा vibrant आया होगा वो भी, you know, not from Bombay, मुझे छोड़ा होगा लोगों ने, बहुत मुझे आते थे, और तभी मैं मॉडलिंग करता था, मैं फैशन मॉडलिंग भी थोड़ा बहुत मैंने किया, मुझे बहुत आए, पर कहीं भी फोर्स नहीं है, आई मस्ट से। हाँ, एक मेरे साथ हुआ है जहाँ पे बहुत बड़े इंसान ने मुझे कुछ, मतलब ऑलमोस्ट कुछ हो जाता, पर मैं वहाँ से भाग आया, वो मेरे साथ हुआ, वो भी दिवाली के टाइम पे था की बात है, ये हुआ है, बट अभी मैंने जो भी मुझे आते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर खोल के देखेंगे, DMs में लड़कियाँ मुझे बहुत मैसेज करते हैं, लड़के लिखते हैं, अपना फोटोज़ भेजते हैं, मेरा फोटोज़ मांगते हैं, मेरे फिल्म्स का मुझे वीडियोज़ भेजते हैं,
अभी तो चलो मैं उसे फैन भी मिल लेता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया, मैच्योरिटी आ गई, बट पहले तो हाँ मैं थोड़ा घबरा जाता था क्योंकि मैं बहुत ही कंफर्टेबल फैमिली से आया था, मॉम डैड उड़ीसा में, तो यू नो इट्स वेरी सिंपल, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो कंजर्वेटिव फैमिली, तो मैंने इतना कुछ वहाँ देखा नहीं था, सुना नहीं था, पता था ऑफकोर्स, पढ़ा था स्कूल कॉलेज में, और फिल्में भी तब तक दोस्त आना ये सब मूवीज आ चुकी थी, मस्ती एंड ऑल, पता तो था, हॉलीवुड में भी देखा था, बट बॉम्बे में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया जाते वक्त, यू नो पीछे पड़ना, कई बार थोड़े फोर्स ऐसा भी हुआ है, बट अभी तो इट्स फाइन, मुझे लगता है यू लव मी, वॉच माई फिल्म, इन्जॉय इट, आप मुझे प्यार दो, मैं आपको प्यार दूंगा, एंड इनफैक्ट आप मेरा सोशल मीडिया इनसाइट्स पे जब जाएंगे, मेरा जब प्रोफेशनल में, आई थिंक 60% आर मेन, 40% आर वुमेन, तो 60% में आई एम श्योर दे मस्ट बी स्ट्रेट, बाइसेक्सुअल, गेज, बाइनरी, जो भी है, जेंडर लर्निंग, सम सेक्स एक्टिविटीज, एवरीथिंग एवरीथिंग, सो आई लव पीपल हु लव मी एंड आई गिव देम द सेम लव बैक, एंड आई थिंक बीइंग गे और स्ट्रेट इज जस्ट अ यू नो स्टेट ऑफ माइंड, ऑफ कोर्स यू आर बॉर्न विद इट, बट आई हैव मेड इट लाइक आई थिंक इट्स अ गिफ्ट इफ आई एम बीइंग लव्ड, प्यार मिल रहा है फैंस के तौर पे, वो मिले बहुत बड़ी बात है. Exactly. Or sometimes what happens कि जो लोग आपको ना बहुत ज्यादा negative views दे रहे होते हैं, reviews दे रहे होते हैं, they are actual fans of yours. Yeah. क्योंकि उनको वो नहीं मिल पा रहा वो attention, इसलिए उस attention को grab करने के लिए to get that attention वो proper negative post करते हैं. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, जब एकदम गर्म मूड में होते हैं ना, अभी मास्टरबेट करना है, तब आके लिख देते हैं, सर क्या शॉर्ट है, फैन हूँ, वीडियो देख लेते हैं, हिला लेते हैं, पोस्ट करते हैं, नहाते हैं, अरे क्या काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम पे, तो मैं ये समझ गया कि अपना करने से पहले प्यार, फिर हिला के ठंडी होने के बाद उनको बड़ा गुस्सा आता है, तो जो भी है, और कुछ लोग मुझे, आप अगेन आप मेरे डीएम्स भी देखें, सबकी एक ही बात है, मैं आपकी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं बस एक एक्टर हूँ जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं वो सब यहाँ पे कह के लोगों को दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लोगों का इंप्रेशन है मेरे प्रति कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं इतने मज़े करता हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ, वही सोचने दो, सब कुछ बता के यू नो वो आनंद उनसे छीना नहीं चाहता, बट मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, मेरी लाइफ लोगों को जीना है, तो जब उनको मिलता नहीं, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम, आई एम श्योर सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आके कुछ गंदा बोलते हैं, अब और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक बात बताऊँ जो मैं मेरी सिस्टर डिस्कस कर रही, कि हम लोग सोशल मीडिया में ही बड़े हुए हैं, मतलब बचपन से, पहले हमारे जो संगी साथी थे, क्लासमेट्स, वो आके हमें ट्रोल करते थे, फेक आईडीज बनाते थे, ऑर्कुट की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग स्कूल में थे, 2009 में ऑर्कुट बंद हो गया है, हाँ बंद, उससे पहले मैं ऑर्कुट पे था जब मैं स्कूल में था, तो अभी फेक लोग आगे करें, तो बात एक ही है, आपके रिलेटिव्स करते हैं, आपके फ्रेंड्स करते हैं, आपके नेबर्स करते हैं, सोसाइटी, तो अभी आप ट्रोलिंग बोलिंग तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे लगता है जो भी है यार, और मुझे पता है कि इंडिया में सेक्स थोड़ा सा मतलब देखना है, करना है, बट उसको ओपनली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा है, यू नो आप हमारे रूट्स को देखिए, कामसूत्रा भी है, खजुराव है, मेरे 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 शहर में कोणार्क टेम्पल है जिसमें बहुत इरोटिक मूर्तियां हैं, बट हमारा कल्चर अपब्रिंगिंग ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम ऐसे लोगों को, हमको ऐसा बचपन से सिखाया जाता है, वो ऐसे काम करती है, वो वैश्या है, वो वहाँ पे वो वाली फिल्में लगी हैं जहाँ लोग हेलमेट पहन के जाते हैं थिएटर के अंदर, मेरे शहर में लोग हेलमेट पहन के जाते थे, मास्क तो अभी कोरोना में आया, मेरे गाँव में तभी से मास्क लगा के वैसी फिल्में देखने जाते थे लड़के, टोपी और मास्क, तो ये सब ना हमारे माइंड में है, मैं बड़ा होता गया, मैं ऑफ कोर्स मुंबई आया, आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग लोगों से मिला, इनफैक्ट मैंने बहुत पहले ही फ्रांस में एक छोटा सा इरोटिक फिल्म किया था, तो बहुत पहले फ्रांस में कहाँ पर, मैं पेरिस गया था, एक इंडियन प्रोड्यूसर थी, उनका एक टीम था, तो मैं बहुत पहले ही किया था फ्रांस में, बट इंडिया में ये ट्रेंड जो भी इंडस्ट्री बूम बाद में हुआ, तो ये हमारे दिमाग में वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट, अरे वो लड़की है ऐसा किए आंखें छुपाओ, लड़के वो लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, यू नो डोंट टॉक टू हर, तो ये सब हमारा प्रोग्रामिंग है, गलत मैं गलत बोलना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा ही है, ये चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, इसके विक्टिम्स एक्टर्स आर्टिस्ट को बहुत भुगतना पड़ता है, बट दिस इज हाउ इट इज, ईदर यू कैन चेंज इट, इट माइट चेंज, बट अभी तो दिस इज अ फैक्ट. अच्छा, have you ever got into paid sex, like कभी किसी लड़की ने तुम्हें pay किया हो और तुम उसके साथ हो?
गहना जी, मैं आपको पहली बार मिला हूँ, आप मेरे सारे राज यहीं खोल देंगे तो क्या होगा? अगर